हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। मैं आज आपके साथ एक बर्फी की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले पैन में देसी घी ऐड कर देंगे। इसके साथ ही इसमें दूध भी ऐड कर देना है। मिक्स कर देते हैं। दूध को हल्का सा गर्म करेंगे। अब मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दूंगी और इसको भी मिक्स कर देते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि दूध आपको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का सा गर्म करना है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म किया तो मिल्क पाउडर के उसमें लम्प्स बन जाएंगे और फिर उनको हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए जब दूध हल्का सा गर्म हो जाए तो उसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दें और उसको मिक्स कर दें। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सो दैट कि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे। और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखते हुए इसको कुक करेंगे। दूध और मिल्क पाउडर मिक्स हो गए हैं और अब इसको लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर पकाएंगे। जब तक ये मिक्सचर गाढ़ा नहीं हो जाता इसको आपको लगातार चलाते रहना है, नहीं तो जो मिल्क पाउडर है वो पैन के तले में सेट हो जाएगा। इसीलिए इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे। आप देख सकते हैं मिक्सचर हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसको कुक करते हुए मुझे 4 से 5 मिनट लगे हैं। अभी इसको थोड़ा सा और कुक करेंगे सो दैट कि ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए और मावे जैसा लगना शुरू हो जाए। मिक्सचर हमारा बर्फी बनाने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं इसने पैन को भी छोड़ना शुरू कर दिया है और इसमें से घी भी रिलीज हो रहा है। इससे ज्यादा इसको नहीं पकाएंगे, अदरवाइज बर्फी बनने के बाद ड्राई हो जाएगी। गैस मैंने बंद कर दी है। इसमें मैंने चीनी ऐड नहीं की है क्योंकि जो मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया है उसमें अपनी ही मिठास होती है, तो इसीलिए अलग से चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें पिसी हुई चीनी डाल सकते हैं। अगर आप चीनी मिक्स कर रहे हैं तो इसको हल्का सा ठंडा होने दें, उसके बाद इसमें चीनी डाल के मिक्स कर लें। अब मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। मिक्सचर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब इस पार्ट में मैं रूह अफ़ज़ा ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो आप इसमें रूह अफ़ज़ा के साथ रोज एसेंस भी यूज कर सकते हैं। मैंने इसमें लगभग 2 चम्मच रूह अफ़ज़ा यूज किया है। आप चाहे तो रूह अफ़ज़ा की जगह पर रोज सिरप भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने गैस को दोबारा से ऑन कर दिया है। इसको थोड़ा सा और पका लेते हैं क्योंकि रूह अफ़ज़ा डालने से ये थोड़ा सा लिक्विड हो गया है। ऐसे लगातार चलाते हुए इसको पकाएंगे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल दानेदार हो गया है। गैस बंद कर देंगे और अब इस मिक्सचर को जमाने के लिए निकाल लेते हैं। बर्फी को मैं इस ट्रे में जमा रही हूँ। हाफ मिक्सचर मैंने इसमें ट्रांसफर कर दिया है। ट्रे को मैंने पहले से ही ग्रीस कर लिया था। अब इसके ऊपर जो हमने रोज फ्लेवर का मिक्सचर बनाया है वो डाल देंगे। मिक्सचर को मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता डाल दूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई दूसरा ड्राई फ्रूट भी इस पे डाल सकते हैं। अब स्पैचुला की हेल्प से इसको थोड़ा सा इसमें प्रेस कर देंगे और अब इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद इससे पीसेस काट के तैयार करेंगे। बर्फी बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी बर्फी बनी है। आप इसे अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिए। ये आप सबको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।